जा रहा हूं। तो इनको ये नहीं है। अब ये इनका काम क्या है कि अगर देखिए ऐसा है कि ठीक है वो चाचा भतीजे हैं, ये एक शिष्टाचारिक मुद्दा है, ये घर की बात है, और रिश्तों से बड़ा दल है, और दल से बड़ा देश है, और देश से बड़ा हम कुछ नहीं समझते, लोकतंत्र तो देश से बढ़ करके हम कुछ नहीं समझते। हम बात यहाँ पे करने के आए हैं मुद्दों की, हमने बुलाया नहीं बुलाया, हमारी पार्टी से नई पार्टी से है, वो एक बात की बात है, इससे इनको क्यों पीड़ा हो रही है। अब मैं खुल के बात कह रहा हूँ, चलिए मैंने नहीं बुलाया, मैंने आपको, मैंने अपने चाचा को, मैंने किसी को अपनी पार्टी में नहीं बुलाया। ये जो सम्मान देने की बात कर रहे हैं कि बड़ा सम्मान दिया जाता है इनके, क्या तो जो बुजुर्ग होते हैं उनको तो मार्गदर्शन में ले जाया जाता है। अरे बहुत इतना ही इनके हृदय के अंदर प्यार उमड़ रहा है तो आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बना दे, उनको बिठा देना बना करके, क्यों उनको पीछे की सीट देते हैं, उनको खड़ा रखते हैं, उनसे हाथ नहीं मिलाते, उनसे बात नहीं करते, उनको मार्गदर्शन में लगाते हैं। आप बताइए अगर इतना ही पीड़ा आपको हमारे उनकी लग रही है तो आप पार्टी में भी लेने को तैयार हैं। यादवों की भी आपको बहुत चिंता हो रही है तो यादव समाज बैठ छोड़ करके आप बैठे हैं, यादवों को तो MY समीकरण का नाम आपकी पार्टी ने दिया है और यादव तो आप हैं। बीजेपी में जाने के बाद अब आप यादव नहीं हैं, बीजेपी में जाने के बाद आप से बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं है, बीजेपी में जाने के बाद आपसे बड़ा कोई दूध से दूल्हा नहीं है, तो वो एक बात अलग की है। साफ बात करिए, पेपर लीक हो गया, एक छात्र ने आत्महत्या कर ली, सरकार बनने के बाद गाजियाबाद के अंदर खुलेआम गोली चला करके लूट हो गई, उस पर बात करिए, और महिलाओं पर बात करिए, जिस पिक्चर को आप टैक्स फ्री कर रहे हैं एक समय में वो पिक्चर दिखाने पर लोगों पर मुकदमे लग जाते। ये जो आप बांटने की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, पोलराइज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इस पर बात आप नहीं कर रहे हैं, चाचा भतीजे की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप डर रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप मुद्दों से भटकाना चाह रहे हैं। अगर शिवपाल जी नहीं आए तो ना आने से आप बताओ कौन सा पेट्रोल सस्ता हो जाता, कौन सी रसोई गैस सस्ती हो जाती, आप जवाब दो। 1000 का आपने सिलेंडर कर दिया, 101 रुपए का आपने पेट्रोल कर दिया, वो आपको नहीं दिख रहा है। मुट्ठी भर चना आपने बांट दिया, मुट्ठी भर आपने जो है गेहूं बांट दिया, आपको लग रहा आपने तीर मार दिया। अरे आप जनता को रोजगार देने के बजाय आप पेपर क्यों लिख कर आ रहे हैं, आप खुल के कहना नहीं जा पा रहे हैं। आप चाह रहे हैं देश से शिक्षा खत्म हो जाए, सब अनपढ़ हो जाए, विपक्ष खत्म हो जाए। 111 की फांस है ये शिवपाल जी को बुलाने का मुद्दा नहीं, परस्पा के यहां पर बैठे हुए हैं प्रवक्ता, उन्हें कोई आपत्ति नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का पक्ष रखे बैठा हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। शिवपाल जी कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, आप कहलाना चाह रहे हैं, आप उनके पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि आप चाहते ही नहीं है देश के अंदर के विपक्ष रहे, आप तो चाहते हैं कि सारा विपक्ष मर जाए, विधवा विलाप करे यहां की जनता और हम बैठे रहे। हमारे ऊपर जो है जो बाबर पर इल्जाम लगता था ना, वो राजनीति आप कर रहे हैं। ये रामनिवास जी एक चीज और कह रहे थे विषम भाई, ये कह रहे थे कि कुछ सलाहकार हैं, कुछ ऐसे जिनकी संपत्तियों की जांच कर ली जाए, कुछ कोई सलाहकार नहीं है। नितिन जी इतने सलाहकार हैं अभी बीजेपी के अंदर, आ जाओ उनसे पास साफ कोई नहीं होगा। ये हजारों करोड़ की बात कर रहे हैं, इनके माननीय गृह मंत्री के बेटे की जांच करा दिया जाए ना, जो उनकी अभी पता लग जाएगा आपको कि हजारों करोड़ रुपया कहां से उनके पास आ गया। इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के कितने लोग हैं जो बता दें, इनकी जो आय दुगनी से 3 गुना 4 गुना हो गई, इनसे RTI की रिपोर्ट मांगी है भारतीय जनता पार्टी ने, इतने हजारों करोड़ रुपए का अपना ऑफिस बना डाला, इनके प्रधानमंत्री ने हवाई जहाज खरीद डाला। देखिए आज की डेट में आपको मैं बताऊं, ये चाहते हैं विपक्ष गूंगा हो जाए, जितना मीडिया जिसको आप चौथा स्तंभ कहते हैं ना, वो भारतीय जनता पार्टी का एक पिलर बन जाए, ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया, बस ये तो वहां भी नारे लगाते थे जाकर के जब अमेरिका जाते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार। अब आप बताओ यहां की राजनीति से ट्रंप से क्या मतलब भाई, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, यहां की राजनीति से और यूक्रेन से और रशिया से क्या मतलब। हम अपने घर की बात नहीं कर पाते, वहां जाकर के बात आप कर रहे हैं, और क्या हुआ, कुछ नहीं, उसका नतीजा शून्य हुआ, हार गए। अब की बार उन्होंने आपको पूछा भी ठीक, जवाब ले लेते हैं। रामनिवास यादव जी बात